अगर आपका मकान सड़क पे आ गया ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग वैल्यू देंगे। आपका खेत सड़क पे आ जाएगा ना, तो लोग खेत का वैल्यू बढ़ा देंगे। और इंसान सड़क पे आ गया ना, वैल्यू गिरा देते हैं लोग उसका। गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन। गुआना में ना हीरे मिलते हैं सब, अच्छा खासा हीरा, डायमंड, हीरा यानी डायमंड। फिर वही बात आ जाती है, हीरा की अहमियत क्यों है? कम है, हीरा की अहमियत कम। तो ये तो अहमियत हो गई इसलिए, लेकिन हीरा महंगा क्यों है? तो उसके महंगे होने का एक रीजन है। देखिए, सोना जो है ना, आप उसे गला के, पिघला के, जिस डिजाइन में बनाना है बना सकते हैं, लेकिन हीरा को गला के, फोड़ के नहीं बना सकते, उसको तराशना पड़ता है। तो 10 ग्राम हीरा है ना, तो आप उसको तराशेंगे तो 6 ग्राम मिलेगा, 4 ग्राम बर्बाद हो जाएगा, उसका चूर निकल जाएगा, समझ में गया? तो चूरा बर्बाद हो जाता है। तो वही जो चूरा बर्बाद होता है ना, अंगूठी के ऊपर पोत देता है, सल तो अंगूठिया के ऊपर देखिएगा, हीरा पोतल रहता है, समझिएगा सब रिजेक्टेड हीरा। अब बड़का गोल दिखा वो ठीक है हीरा, यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अभी आप लोग हीरा उरा करेंगे क्या? हम क्या कहते हैं आप लड़का लड़की सब लोगों से, अगर आपको मतलब सुंदरता के लिए करना है तो रोल गोल्ड, नकली सोना, नकली हीरा बहुत अच्छा मिलता है, रेगुलर आप बदल भी सकते हैं। अगर सोना का अंगूठी लीजिएगा तो महंगा आएगा, और नकली अंगूठी लीजिएगा तो 200 रुपये में बढ़िया मिल जाएगा। लेकिन अभी आप अगर ओरिजिनल हीरा भी पहनिएगा तो कौन बिलीव करेगा? नहीं भाई, बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास जॉब लीजिए, और उस समय भी नकली पहनना है, समझ में आ गया? दुनिया बहुत बेवकूफ़ बनाती है आदमी को, याद रखिएगा, बहुत अजीब दुनिया है। आप अगर आपका मकान सड़क पे आ गया ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग वैल्यू देंगे। आपका खेत सड़क पे आ जाएगा ना, तो लोग खेत का वैल्यू बढ़ा देंगे। और इंसान सड़क पे आ गया ना, वैल्यू गिरा देते हैं लोग उसका। दुनिया को दिखाना है आपको, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? कि आप जब सड़क पे थे तो कोई नहीं, जब जिस दिन कामयाब हो जाना है उस दिन ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट, अब तब आपको दुनिया का असली चेहरा दिखेगा। सोचो एक को बार नहीं पूछेगा, समझ आ गया कि नहीं? किसको पता रहता है किसे जाते हुए ओरिजिनल पहना है कि डुप्लीकेट पहना है? तो हीरा यहाँ जॉर्ज टाउन से ना हीरा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो जॉर्ज टाउन बंदरगाह हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अब ये बंदरगाह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जहाँ हीरा का व्यापार होगा वहाँ सेफ्टी, सिक्योरिटी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, पता चलेगा जॉर्ज ये ले गया आपका, हो गया काम। तो हीरे के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह, और बेलेम बंदरगाह रबर के लिए, सेंटोस बंदरगाह किस चीज के लिए? कॉफी के लिए। उसके बगल में है सूरीनाम, कौन सा जगह? सूरीनाम एक नॉर्मल छोटा सा देश है, कौन जगह? सूरीनाम। कोई विशेषता ही नहीं है तो बताना कौन चीज, दुनिया में का सब लोग का विशेषता रहेगा।